दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए ऑर्डर और वो है RGHS योजना से संबंधित। तो 1 अक्टूबर से आउटडोर व इंडोर चिकित्सा की सुविधा मिलेगी राज्य कर्मचारियों को RGHS स्कीम के तहत। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो 30 सितंबर को वित्त विभाग राजस्थान द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आउटडोर व इंडोर चिकित्सा के में स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया है। तो इस प्रकार है आदेश। अब सभी राज्य कर्मचारियों को RGHS कार्ड के तहत इंडोर आउटडोर की सुविधा मिलेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि वित्त विभाग द्वारा 19/8/2021 को पहले निर्देश जारी किए गए थे जिसमें कहा गया था कि आउटडोर की चिकित्सा सुविधा पूर्णतः RGHS पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ नहीं हो तब तक या जब तक दिनांक 30/9/2021 जो निर्धारित तिथि पहले हो तब तक राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के अंतर्गत पूर्व व्यवस्था के अनुसार RGHS के अंतर्गत अधिकृत हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोवाइड के माध्यम से आउटडोर चिकित्सा उपचार कराकर दिनांक 16/7 से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही निर्धारित समय चिकित्सा व्यय पुनर्भरण ले सकेंगे। यानी कि पहले ये कहा गया था 19/8 के ऑर्डर में कि आउटडोर की चिकित्सा सुविधा जब तक कि पूर्णतः RGHS पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ नहीं हो तब तक वो यहाँ 30 सितंबर तक की अवधि के जो भी पुनर्भरण राशि है वो ले सकेंगे। तो अब नया नियम आगे आ रहा है कि कर्मचारियों के चिकित्सा परिचर्चा उपचार चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण आदि कठिनाई को देखते हुए 19/8 यानी 19 अगस्त को आदेश के नियंत्रण में राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत पेंशनर को भी सम्मिलित करते हुए निम्न अनुसार निर्देश अब जारी किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है, एक तो RGHS स्कीम को लेकर कि 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर तक अगर आपने इंडोर आउटडोर रोगी के रूप में कोई भी उपचार कराया है तो इसकी व्यय हुई पुनर्भरण राशि का भुगतान कर्मचारियों के लिए उनके चिकित्सा दावे के अंतर्गत संबंधित बजट मद से राजस्थान सेवा नियम 2013 के आदेश क्रमांक 16/7/21 की अधिसूचना से पूर्व के प्रावधानों के अनुसार किए जाने की सहमति दी जाती है। यानी कि अगर आपने RGHS स्कीम के तहत इंडोर आउटडोर रोगी के रूप में किसी भी अस्पताल में इलाज कराया है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक तो ये वह जो है पुनर्भरण राशि का भुगतान आपको मिलेगा 16/7/2021 के दिन सूचना के अनुसार उनकी सहमति दी जाती है। इसके साथ ही नंबर 2 पॉइंट है कि पेंशनर के चिकित्सा दावों का निस्तारण कोषा अधिकारियों द्वारा पूर्व में जारी प्रक्रिया जो राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायत योजना 2014 है उसमें निर्धारित है उसके अनुसार किया जाएगा, परंतु पारित किए गए दावों का भुगतान RGHS के PD अकाउंट से ही किया जाएगा। इसके साथ ही नंबर 3 पॉइंट है कि दिनांक 30/9 तक के चिकित्सा दावे दिनांक 31/12/2021 के पश्चात स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आपने इलाज कराया है किसी भी प्रकार का पुनर्भरण लेना चाहते हैं 30/9 तक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 30/9 यानी 30 सितंबर तक के दावे आप 31/12/2021 तक दे सकते हैं, इसके पश्चात स्वीकार नहीं होंगे। इसके साथ ही अब बड़ी अपडेट ये है कि दिनांक 1/10/2021 से 31/10 यानी कि 1 अक्टूबर से नवीन सिस्टम है जिसमें सभी कर्मचारियों को अब RGHS कार्ड के माध्यम से ही इंडोर आउटडोर की सुविधा मिलेगी। तो दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के इंडोर आउटडोर रोगी के रूप में चिकित्सा पुनर्भरण के जो भी दावे हैं वो केवल RGHS कार्ड के द्वारा ही स्वीकृत किए जाएंगे। अतः सभी कर्मचारी पेंशनर के लिए आवश्यक है कि इंडोर आउटडोर रोगी के रूप में उपचार कराने पर हर परिस्थिति में RGHS कार्ड जारी कराने के उपरांत ही स्वयं का चिकित्सा पुनर्भरण दावा प्रस्तुत करें। इस अवधि के दावे बिना RGHS कार्ड के स्वीकार नहीं होंगे। इसके साथ ही 1 नवंबर से भी बात कही गई है कि 1 नवंबर यानी 1/11/2021 से समस्त कर्मचारी पेंशनर को इंडोर आउटडोर के उपचार की सुविधा सिर्फ RGHS कार्ड के माध्यम से ही और RGHS में अधिकृत जो अनुमोदित चिकित्सालय हैं उनके माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे। यानी 1/11 से कम्प्लीटली ये शुरू हो जाएगा, कह सकते हैं 1 अक्टूबर से ही अब शुरू है। RGHS कार्ड के माध्यम से ही आपको इंडोर आउटडोर की चिकित्सा पुनर्भरण के दावे स्वीकृत किए जाएंगे, यानी 1 अक्टूबर से ये व्यवस्था लागू हो रही है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट अपडेट है RGHS को लेकर, वो ये है कि दिनांक 31/10 के पश्चात यानी 31 अक्टूबर के पश्चात इंडोर आउटडोर चिकित्सा उपचार हेतु कर्मचारी पेंशनर चिकित्सा पुनर्भरण का कोई दवा पूर्व व्यवस्था के अनुसार मान्य नहीं होगा। यानी 1 नवंबर से कम्प्लीटली लागू हो जाएगा ये नियम, आउटडोर और इंडोर की चिकित्सा RGHS कार्ड के माध्यम से ही मिलेगी। तो ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में राज्य कर्मचारियों के लिए RGHS स्कीम को लेकर और इसके इंडोर आउटडोर चिकित्सा सुविधा को लेकर वित्त विभाग के नियम। थैंक यू।